हेलो फ्रेंड, मैं सरिता अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मजेदार सी रेसिपी, जो कि हम बिहार का फेमस अदौड़ी बैगन का सब्जी बनाने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, और ये अगर पसंद आए वीडियो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, इसे हम बनाना शुरू करते हैं। अदौड़ी बैगन की सब्जी बनाने के लिए देखिए, बैगन को इस तरह से लंबे टुकड़ों में काट लिया है मैंने, और इसे 10 से 15 मिनट पानी में सोक करने के लिए छोड़ देंगे। काटने के बाद ये ऐसे ही छोड़ने से ये काले पड़ जाते हैं, इसलिए पानी में इसे जरूर डिप कीजिएगा। इसके साथ ही हम चार टमाटर ले रहे हैं, और ये अदौड़ी है, ये उड़द दाल से बनती है, ये देखिए इस तरह से। अगर आपको इसके बारे में जानना हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, तो मैं इसका रेसिपी आपको अलग से बता दूंगी कि ये कैसे बनाया जाता है, ये बहुत टेस्टी होता है। तो चलिए इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई चढ़ा लेंगे, इसके बाद इसमें मस्टर्ड ऑयल हम डालेंगे। मस्टर्ड ऑयल से ये रेसिपी बहुत टेस्टी बनती है ये सब्जी। तेल गर्म हो जाने के बाद ये अदौड़ी जो है इसे इसमें डाल के हम फ्राई कर लेंगे। ये जब तक लाल नहीं हो जाएगा भून के, तब तक इसे हम इसी तरह से भूनते रहेंगे। ये देखिए ठीक इस तरह से हो जाना चाहिए, एकदम लाल हो चुका है पूरा। अब इसे हम निकाल लेते हैं। ये देखिए ठीक इस तरह से होना चाहिए इसका कलर। अब देखिए अदौड़ी हमने निकाल लिया, अब इसी तेल में हम ये पचफोरन देंगे। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इसीलिए इसका ही इस सब्जी में आप इस्तेमाल कीजिएगा, जीर का वो फ्लेवर नहीं आ पाता है। इसे हम डाल देंगे। इसके साथ ही दो सूखी मिर्च, जिसे कि मैंने इस तरह से टुकड़ों में तोड़ लिया, इसे डाल के अच्छे से चटकने देते हैं इन सबको। इसके बाद जो ये बैगन को हमने अच्छे से काट के वॉश करके रखा था, इसे डाल देंगे इसमें। डाल के इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। इसके साथ ही हम टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डालेंगे। नमक थोड़ा कम ही डालिएगा, क्योंकि बैगन गल जाता है तो पता नहीं चलता है, इसीलिए थोड़ा कम नमक का इस्तेमाल आप कीजिएगा। इसके साथ ही हल्दी डाल देंगे 1/2 टीस्पून। इन सबको अच्छे से हम मिला लेंगे। अब ढक्कन लगा के इसे 4 से 5 मिनट हम छोड़ देंगे, ताकि इसका मॉइस्चर निकलता रहे और बैगन अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए 3 से 4 मिनट बाद हमारा बैगन एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। इस तरह से पतीला की मदद से इसे मैश कर देंगे थोड़ा सा हम। इसके बाद इसमें 1 चम्मच धनिया, मिर्च आप तीखा जितना पसंद करते हो उस हिसाब से डाल दीजिएगा। ये था 4 टमाटर मैंने लिया था, जिसे कि मैंने एकदम रफली टुकड़ों में काट लिया, इसे इसमें डाल देंगे। इन सबको अच्छे से हम मिला लेंगे। इसके बाद ढक्कन लगा के और हम 2 से 3 मिनट इसे अच्छे से भून लेंगे। ढक्कन लगा के 2 से 3 मिनट इसे अच्छे से पका लेंगे, ताकि मसाला अच्छे से भुनाता रहे, ताकि बैगन और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम अच्छे से टमाटर भी सॉफ्ट हो चुका है, मसाला भी अच्छे से भुना चुका है। अब हम ढक्कन हटा के 5 मिनट इसे अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद जो ये अदौड़ी हमने भून के रखा था, इस स्टेज पे इसमें डाल देंगे। डाल के पूरा इस तरह से मिला देना है। इसके बाद जरूरत के हिसाब से इसमें पानी डालेंगे। पानी थोड़ा कम ही डालिएगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि ये ग्रेवी थोड़ा थिक ही रहता है, ये सब्जी का ग्रेवी। और इस तरह से हम मिला लेंगे। और ढक्कन लगा के इसे 3 से 4 मिनट और उबाल आने देते हैं इस सब्जी में। ये देखिए हमारा ग्रेवी एकदम अच्छे से थिक हो चुका है। इसके बाद इसमें 1/2 टीस्पून हम गरम मसाला ऐड करेंगे। इसे अच्छे से हम मिला लेते हैं इस तरह से। और ये देखिए फ्रेंड, हमारी मजेदार सी रेसिपी बनके तैयार है। धनिया पत्ता से हम गार्निशिंग कर लेंगे, और गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं। यही टेक्सचर होना चाहिए इस रेसिपी का।
ये देखिए खुशबू तो बहुत ही मजेदार सी आ रही है और बहुत मजेदार बनी भी है। ये देखिए फ्रेंड हमारी मजेदार सी रेसिपी बन के तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट करते रहे, अपना सपोर्ट यूं ही बनाए रखें। ओके, थैंक यू।